हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे बाइक में आ गया है एक बदलाव। वैसे थंबनेल देख आपको पता तो चल ही गया हो कि ये वीडियो किस बारे में है। वैसे आज हम घर जगह से कैमरा माउंट करके निकले थे ताकि कुछ एक्शन कैप्चर कर सके, पर आज तो यहाँ पे काफ़ी खाली लग रहा है। पर कोई नहीं, ऐसे भी जब आप कैमरा में एक्स्ट्रा सामान जब लेके निकलते हो तो लोगों की एक नज़र तो पड़ने को तो पड़ती ही है। वापस अपना टॉपिक पे आए तो जो अपना बाइक में बदलाव आया है वो हम बहुत पहले ही करना चाहते थे, पर वेट कर रहे थे इसलिए किए नहीं। वैसे जब हम बाइक लिए थे तो इसी प्रकार से हम लेना चाहते थे, पर उस समय वैसा अवेलेबल नहीं था। जबकि अब जो ड्यूक 200 आता है उसमें इसी तरह का कलर स्कीम है। वैसे ये बदलाव हम बहुत पहले कर देना चाहते थे, पर बस थोड़ा समय का वेट कर रहे थे, बस वेट ही कर रहे थे कुछ दिन का। वैसे भी अब जब 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे का जब राइड होने ही वाला है तो हम सोचे कि उससे पहले ही कर देते हैं। वैसे पेंट का काम हम 3-4 दिन पहले ही कर दिए थे, उसके बाद हम सोचे कि इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, पर उसके बाद तो आप जान ही रहे हो कि आजकल यहाँ का मौसम कैसा है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा और फोग के वजह से ही हम वीडियो नहीं बनाए, पर आज जबकि थोड़ा सा जब धूप निकला है तो सोचे कि चलो बना ही देते हैं। तो बस अब इसके लिए हमको बस ही जगह देखना है, वहाँ पे रुकेंगे और इसका थोड़ा सा सिनेमैटिक्स लेंगे और आपको बता भी देंगे कि क्या क्या काम हुआ है। तो देखते ही रोड के बगल में कहीं अगर खाली जगह मिला तो वहीं पे रुक जाएंगे। वैसे आज का ये वीडियो छोटा सा ही होने वाला है क्योंकि इसमें बस हम आपको एक वॉक अराउंड देना चाहते हैं और उसके अलावा इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो यहीं पे रुका जाए। वैसे हम जो बात कर रहे थे वो है ये जो पीछे का जो ये सब फ्रेम है जो कि पहले ऑरेंज कलर का आता था, अब इसको हम ब्लैक कर दिए हैं जो कि है शाइनिंग ब्लैक। तो इससे पहले कि हम आगे की बात करें उससे पहले सिनेमेटिक्स हो जाए। वैसे जब ये अब ब्लैक हो गया है तो हमको अब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। पर्सनली बताया तो हमको ऐसा देखने काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे गाड़ी लेने से पहले ही हम सोच के रखे थे कि हाँ हम जब लेंगे तो ऐसा मिल लेता तो हमको बहुत अच्छा लगता, पर उस वक्त नहीं था। पर जब हम लिए तो हम सोच ही लिए थे कि हम जब लेंगे तो पीछे हम ज़रूर इसको ब्लैक ही करेंगे। वैसे हमको जो अपना बाइक है वो ऐसे स्टॉक ही अच्छा लगता है, पर एक यही बदलाव था जो हम करना चाहते थे। और उसके अलावा बस हम ये जो हेडलाइट के आगे है इसको इसी के शेप में बस एक रैपिंग करवाना चाह रहे हैं जो कि ऑरेंज कलर का होगा, यानी कि जो मेरा बाइक है वो आगे तरफ से पूरा ऑरेंज का लुक आएगा और पीछे से जो ब्लैक का। तो वैसे अपना बात करें तो जब से हम पीछे ब्लैक किए हैं तो देखने में हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस छोटा सा आगे का काम पूरा करना है, उसके अलावा अब ऐसा कुछ सोचे नहीं है। अब देखते हैं आगे चल के इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही काफ़ी रहेगा। तो बस यहाँ का आज का मेरा काम ख़त्म हुआ, तो अब यहाँ से निकलते हैं। वैसे जब हम इसको स्प्रे पेंट कर रहे थे तो उसका भी वीडियो बनाया है, तो हम सोचे कि पहले इस तरह के ये वाला वीडियो कंप्लीट कर ले उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। तो पहले यही वाला वीडियो को अपलोड करेंगे, उसके बाद हम जो पेंट किए हैं वो वाला वीडियो भी अपलोड कर देंगे एक दो दिन के बाद में। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते रहेंगे आगे के ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय।